स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। मथुरा के गोवर्धन रोड स्थित बीएसएफ स्पोर्ट्स अरेना मैदान पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दलवीर सिंह, गोविंद सरस्वती ने इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य गोविंद सरस्वती ने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। ब्रज स्पोर्ट्स फेडरेशन के डायरेक्टर कर्ण दास ने जानकारी देते बताया कि हमारा लक्ष्य है कि श्रीधाम वृंदावन से कुछ ऐसे खिलाड़ी निकलें जो इंटरनेशनल टीम में चयन हो और मथुरा वृंदावन का नाम रोशन करें। फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि फुटबॉल के अलावा अन्य खेलों को बढ़ावा देने का हमारा सपना है। लोगों के खेल के प्रति बढ़ती भावना, प्रतिदिन खेल के प्रति जागरूकता है। टूर्नामेंट में मथुरा की 14 टीमें सहित पलवल, ग्वालियर, कोसी, आगरा सहित 18 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 30-30 मिनट के सेमीफाइनल और 40-40 मिनट के फाइनल रखे गए। सभी टीमें लगभग अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें ग्वालियर की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए KRFC को हराकर टूर्नामेंट को अपने नाम किया। फाउंडेशन द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 21,000 रुपये का नगद, उपविजेता को 11,000 रुपये का व तीसरे स्थान पर श्रीजी बाबा टीम को 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। माय नेम इज राज जोशी एंड आई रियली प्राउड टू जॉइन अ ब्रिज स्पोर्ट्स फाउंडेशन एज अ फुटबॉल कोच। सो हम लोग का यहाँ पर यही मोटिव है कि फुटबॉल या फिर अदर स्पोर्ट्स को हम लोग आगे डेवलपमेंट कर सकें, ना कि ये नहीं कि खेल नहीं है, बट हम अपने प्लेयर्स को भी चाहते हैं कि आगे एज अ प्रोफेशनल प्लेयर बनाए उन्हें। ओके, सो हमारा मोटिव यही है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और जितने भी बच्चे हैं वो हमसे ज्वाइन करें तो हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम पे और साइट भी। जी मेरा नाम करण दास है। जी बताइए क्या कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पर? कार्यक्रम ये है कि फुटबॉल कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि ब्रज क्षेत्र से स्पोर्ट्स और प्लेयर कुछ इस प्रकार आगे बढ़े कि हमें ब्रज क्षेत्र के लिए कप और एक गोल्ड ओलंपिक से मिले। और हमारा लक्ष्य ये है कि ब्रज क्षेत्र में जितने भी छोटे मोटे विद्यालय और कॉलेज है वहाँ से इस प्रकार की हुनर और प्रतिभा निकले जो ब्रज क्षेत्र का नाम रोशन करे। और हम गौरवान्वित है कि ऐसे संस्था से जुड़े हैं जो इस प्रकार की सोच को आगे बढ़ा रही है। धन्यवाद। तो बच्चों को आपसे जुड़ना है तो वो किस तरीके से संपर्क करें? बच्चों को अगर हमसे जुड़ना है तो वो हमारा सोशल मीडिया पेज है ब्रज स्पोर्ट्स फाउंडेशन, उसको फॉलो करें और किसी भी प्रकार की सहायता जो उनको लगता है कि जरूरी है उनके स्पोर्ट्स और उनके करियर को आगे बढ़ाने में, वो हम प्रदान करेंगे उनको। धन्यवाद। नाम है? जी मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी है। बताइए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? तो हमारी संस्था है ब्रज स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जो कि मथुरा वृंदावन में रजिस्टर्ड है, और हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यहाँ पे फुटबॉल और अदर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस दिया जाए। दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी, मतलब बड़े शहरों में आप देखते हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर काफ़ी पैसा इन्वॉल्व है इस स्पोर्ट्स में, तो वो लोग आगे करियर बना पाते हैं, लेकिन हमारे गांव के जो बच्चे हैं या छोटे मोटे शहर के जो बच्चे हैं उन लोगों को उतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है फाइनेंशियली या इमोशनली। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जिसका नाम ब्रज लेगेसी कप है। इसमें 18 टीम्स इन्वॉल्व हैं और ये 8-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट है। जो विजेता होगा उसको 21,000 की इनामी राशि है और एक कप है, और जो द्वितीय स्थान पे होंगे वो 11,000 और तृतीय स्थान पे जो है वो 5,100। तो ये हमारा एक तरह से एक हम लोगों की सोच है कि बच्चों को और जो टीम्स है फुटबॉल खेलने वालों को उनको थोड़ी सी प्रेरणा मिले और वो रेगुलर करते रहें, और इसी तरह की हम टूर्नामेंट साल में 3 या 4 टूर्नामेंट्स करवाते रहेंगे। जब बच्चों